अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आज हम बिला तकल्लुफ गुफ्तगू करेंगे, बातें करेंगे, जानेंगे हमारे वाइस प्रेसिडेंट ऑफ FPCCI ज़ुबैर बावेजा भाई से, और ज़ुबैर भाई की कहानी सुनेंगे और आपको भी सुनने में मज़ा आएगा। मैं इनसे आज शायद दूसरी या तीसरी दफ़ा मिला और मुझको तो बहुत अपनाइत महसूस होती है मिलने के बाद इनसे। होपफुली इट्स म्यूचुअल। एंड ज़ुबैर भाई, अपनी कहानी आप खुद ही सुनाएं। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम रेहान, बहुत शुक्रिया आपका, आपने बुलाया। और मैं तो कोई इतना कोई बड़ी चीज़ नहीं हूँ कि मेरी अपनी कहानी सुनाऊँ मैं, लेकिन आपने बुलाया, आपने ये इज्जत दी, तो चलें जो भी कुछ थोड़ा बहुत इनफॉर्मल तरीके से बातें करते हैं। कहानियाँ तो बड़े बड़े लोग सुनाते हैं यार, जैसे इमरान खान हैं, हकीम अहमद सईद हैं, या वो उनकी कहानियाँ होती हैं जिससे हम इंस्पायर हो सकते हैं। हम तो हमारी तो नॉर्मल से लोग हैं यार, नॉर्मल सी ज़िंदगी है। कुछ इस तरह से है कि अगर मैं अपने बचपन से अगर शुरू करूं, अगर आप मेरी पूरी कहानी सुनना चाहें बचपन से अगर मैं शुरू करूं, तो एक नॉर्मल सा मैं स्टूडेंट था। मैं कोई बहुत ज़्यादा पढ़ाकू या कोई मेरा कोई बहुत ज़्यादा नहीं होता था, बल्कि क्लास फाइव तक तो मुझे नहीं याद कि मैं कोई अच्छा पढ़ता भी होऊंगा। हाँ, क्लास सिक्स के अंदर जब मैं आया तो हमारी क्लास टीचर थी, उनका नाम था शाइस्ता, मेरे ख्याल में उनका नाम शाइस्ता था। तो उन्होंने और एक और हमारी टीचर थी जो मुझे ट्यूशन पढ़ाने आती थी, उनका नाम था शाहजहाँ। तो बेसिकली मैं समझता हूँ कि जो मेरी एकेडमिक को बेहतर बनाने में और जो पढ़ाई की तरफ शौक पैदा करने में और मुझे लाने में, पहले तो इन दोनों मेरी टीचर्स का हाथ रहा। उसके बाद फिर हमारे कुछ और उस्ताद थे, सर दानियाल थे, और इस तरह से कुछ हमारे सर नसीम थे, तो उन्होंने हमें पढ़ाई की तरफ रागिब किया। और मैं वो स्टूडेंट होता था कि कोई मेरे ख़ास नंबर नहीं आते थे, लेकिन फिर क्लास सेवन में फिर फर्स्ट सेकंड मतलब जो क्लास के जो मिड टर्म्स हो इसमें सेकंड आया, नाइन्थ क्लास के अंदर प्रीलिम्स में सेकंड आया, तो फिर थोड़ा पढ़ाई का शौक़ पैदा हो गया। उसके बाद फिर अपने शौक़ से फिर इंटर, बी कॉम, एम बी ए तक फिर तालीम हासिल करी। एम बी ए कहाँ से किया? एम बी ए मैंने यहीं से करा है, न्यूपोर्ट यूनिवर्सिटी है उसका, उस वक्त यहाँ कैंपस होता था, अभी भी कैंपस है। तो मैंने एम बी ए यहीं से करा, लेकिन ये कि उसके बाद क्योंकि हमारी फील्ड होटल की है, तो उस हवाले से टूरिज़म और होटल मैनेजमेंट के हवाले से फिर मैंने कुछ कोर्सेज भी किए बाहर जाके, कुछ अमेरिका से भी किए, कुछ लंदन से भी किए। तो वो कोर्सेज वो अपने काम के साथ साथ फिर जब मौका मिलता था तो जाके बीच में कोर्सेज करते रहे। काम के अंदर मैं आ गया था क्योंकि हमारा ताल्लुक बिज़नेस फैमिली से है, तो जैसे कि आपको मालूम है कि बिज़नेस फैमिलीज़ के अंदर जब छुट्टियां होती हैं स्कूल की या जब आपके पास फारिग टाइम होता है तो आपको ऑफ़िस बुला लिया जाता है। तो आप ये समझ लो कि मैट्रिक से ही नाइन मैट्रिक की छुट्टियां होती थी या ऑफिस के बाद स्कूल के बाद हम लोग अबू के ऑफिस चले जाते थे अपने, तो वहीं से इनिशियल लेवल से हमारी ट्रेनिंग हुई। फिर हमारा ये होता था जनाब सदर में एमजना रोड पे ताज मेडिकल कॉम्प्लेक्स, तो बाकायदा तौर पे मैंने 1991 से मैंने वहाँ पे बैठना शुरू किया। तो उस वक्त मेरे ख़्याल में मैं बीकॉम कर रहा था। तो आप लोग का था जी, मेरे वाले साहब ने बनाया था ताज मेडिकल कॉम्प्लेक्स। तो 5-6 साल मैं वहाँ पे मैं होता था, मेरे भाई होते थे, हम लोगों ने वो हॉस्पिटल रन किया। फिर हकीम अहमद सईद साहब मेरे वाले साहब के दोस्त थे दिल्ली के ज़माने से, और मेरे वाले साहब उनकी बहुत इज्जत भी करते थे, हमारी फैमिली में उनकी बड़ी रिस्पेक्ट थी हमको। साहब तो कोई आइडियलाइज एक शख्सियत थे, वो पाकिस्तान के लिए नहीं, पूरे एशिया पूरी दुनिया के लिए थे। तो उन्होंने उस ज़माने में अपना बनाया मेडिकल कॉलेज बनाया, हमदर्द मेडिकल कॉलेज बनाया। तो मेडिकल कॉलेज को एक टीचिंग हॉस्पिटल की ज़रूरत होती है, तो उस वक्त ये हुआ कि अगर वो हॉस्पिटल बनाने जाते तो टाइम ज़्यादा लग रहा था, और फिर वो एक पूरा इस्टेब्लिशमेंट करना, तो फिर वो वाले साहब ने उनके मतलब वो हॉस्पिटल हमने वो सेल किया, लेकिन वो हमने उनको फिर हमने ट्रांसफ़र कर दिया उनको हमदर्द फाउंडेशन को। तो आज भी मौजूद है वो हमदर्द हॉस्पिटल के नाम से चल रहा है वो। तो वहाँ से मेरी बेसिक ट्रेनिंग मतलब वहाँ से मेरी बेसिक ट्रेनिंग और मेरा करियर शुरू हुआ। अच्छा, अब ये तो था वाले साहब का या फैमिली का एक बिज़नेस था जो कि आपको बाय डिफ़ॉल्ट आपको आना था या आपको आना पड़ा। हमारा अपना शौक जो था वो था एडवर्टाइजिंग, डिज़ाइनिंग, मार्केटिंग, फोटोग्राफी, इस तरफ अपना रुझान था बहुत ज़्यादा। तो
تو میرے ساتھ میرے دوست ہیں ابھی بھی میرے ساتھ ہی ہوتے ہیں اعظم مرزا نام ہے ان کا تو ہم دونوں نے اس زمانے میں 1991 میں مل کے اسکیچ کمیونیکیشن کے نام سے ہم نے اپنی ایڈورٹائزنگ ایجنسی بنائی اور اس زمانے میں ہم نے اس کے کمرشلز بھی بنائے ہم نے دو تین کمرشل بنائے جو کہ ریلیز بھی ہوئے اور پھر کافی ہم نے کام کیا فیشن فوٹوگرافی کے اوپر میگزین جو ڈیزائن ہوتے تھے بروشرز ہمارے دوستوں کی کافی فیکٹریز وغیرہ تھیں لیدر وغیرہ کی ہے وہ تو اس کے اندر ان کے لیے کافی کام کیا اور اس طرح ہم نے کافی کام کیا اس وقت تو وہ سائڈ بائی سائڈ وہ چلتا تھا آج وہ چیز اسکیچ کمیونیکیشن اس زمانے سے 91 سے ہوتے ہوتے آج ڈیپ روٹ کے نام سے ہے وہ اب تو اس میں اعظم تو ابھی بھی اسی فیلڈ کے اندر ہیں اور ہم اس کے اندر اب اینیمیشن گرافکس وی ایف ایکس اور اب آگے اس کے اندر ہمارا ارادہ ہے کہ اور اس کو اب آگے لے کے جائیں ایڈیٹنگ یہ سب چیزیں ہوتی ہیں اس کے اندر تو وہ ایک شوق ہے اور کام کا یہ ہو گیا کہ جی پہلے 5-6 سال ہم نے ہاسپٹل چلایا اس کے بعد ہم اپنے ہوٹل میں آ گئے ہوٹل کے اندر ہم پہلے رہے فوڈ اینڈ بیوریج ڈپارٹمنٹ کے اندر تو وہ آپ کو پتہ ہے کہ دہلی والوں کا تو شوق ہوتا ہی ہے کھانا پینا ہمیں بھی شوق ہے تو وہ اپنے فوڈ اینڈ بیوریج ڈپارٹمنٹ کو پہلے دیکھا پھر ہمارے زمانے میں رینوویشنس وغیرہ کافی ہو رہی تھیں ہوٹل میں ساری اس کی ڈیولپمنٹ وغیرہ یہ وہ سب کرتے رہے بس پھر اس کے بعد سے آہستہ آہستہ ذمہ داریاں بڑھتی گئیں تو اب میں سمجھیں کہ آپ مینیجنگ ڈائریکٹر ہوں ریجنٹ پلازا کے اندر تو میں ہوں میرے بھائی ہوتے ہیں ہم دونوں مل کے اس کو لک آفٹر کر رہے ہیں یہ تو ہمارا ایک پروفیشنل بیک گراؤنڈ ہو گیا اور اس کے بعد ڈفرینٹ پھر جیسے کہ اب موقع ملا اس میں آنے کا ٹریڈ پالیٹکس میں آنے کا اب فیڈریشن میں آ گیا ہوں یہ ذمہ داریاں بھی چل رہی ہیں اس کے ساتھ ساتھ میں ابھی اپنا جو ہماری ایسوسیشن ہے پاکستان ہوٹل ایسوسیشن ابھی میں اس کا چیئرمین بھی ہوں تو یہ ساری چیزیں اب ساتھ چل رہی ہیں پرسنل شوق والا کام بھی ہے پروفیشنل بھی ہے ٹریڈ پالیٹکس میں بھی آ گیا ہے یہ سب چیزیں اب چل رہی ہیں تو کیسے یہ ایف پی سی سی آئی کے وائس پریزیڈنٹ تک پہنچ گئے تو ایک اٹس اے لانگ پروسیس میں جو میں نے جو سنا ہے وہ یہ کہ اٹس پہلے آپ چھوٹے لگتے ہیں پھر اس سے بڑے لگتے ہیں پھر اس سے بڑے لگتے ہیں کیا کب سے انوالو تھے آپ ایف پی سی سی آئی میں سمجھا نہیں میں چھوٹے لگتے ہیں بڑے لگتے ہیں مطلب ہم نے تو یہ سنا ہے کہ بھائی اگر آپ کو فیڈریشن میں وائس پریزیڈنٹ پریزیڈنٹ تک جانا ہے تو پہلے آپ کو کسی کمیٹی کے اندر آنا پڑے گا پھر اس کے چیئرمین بنتے ہیں پھر اس کے بعد کچھ اس قسم کے اسٹیپس سنے تھے یار ریحان میں یہ سمجھتا ہوں اور ابھی میرا عقیدہ اور پختہ ہو گیا ہے اس معاملے میں کہ یہ سب اللہ تعالیٰ کے کرنے کے کام ہوتے ہیں کہ اللہ نے آپ کی اس ڈیسٹینی میں کیا لکھا ہوا ہے اور کب کیا چیز ہونی ہے تو اگر کوئی بھی ایک تو ہوتا ہے کہ آپ اپنا پورا فوکس کر کے آپ اپنا آبجیکٹیو ڈیفائن کرتے ہیں کہ یار میری زندگی کا آبجیکٹیو یہ ہے اور میں نے اس روٹ میپ پہ چلتے ہوئے میں نے یہاں تک پہنچنا ہے ہو سکتا ہے کہ اس حوالے سے آپ یہ کہہ رہے ہوں کہ پہلے کمیٹی اور پھر یہ اور پھر یہ اور پھر وہ اور ہو سکتا ہے کہ راستہ یہ بھی ہو میں اسے ڈینائی نہیں کر رہا ہو سکتا ہے کہ راستہ یہ بھی ہو لیکن ایک جو میرا عقیدہ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ نے جو آپ کے لیے سوچا ہوا ہے جو آپ کی تقدیر میں لکھا ہوا ہے اس کے لیے آپ کے راستے آٹومیٹک نکل رہے ہوتے ہیں کم سے کم میری صورت میں تو یہی ہوا ہے حالانکہ فیڈریشن سے میں پچھلے 4-5 سال سے منسلک ہوں لیکن بہت زیادہ ایکٹیو نہیں تھا میرے پاس کمیٹیز بھی رہی ہیں پچھلے 3-4 سال سے ہماری جو ہوٹل کی کمیٹی ہوتی تھی وہ میں ہی اس میں تھا کبھی کنوینئر ہوتا تھا کبھی ڈپٹی کنوینئر ہوتا تھا لیکن ہاں میں نے کبھی وائس پریزیڈنٹ کا آنے کا میرا ایسا کوئی پلان تھا نہیں کہ میں وائس پریزیڈنٹ کے لیے آؤں گا یا کنٹیسٹ کروں گا لیکن وہ کچھ ایسے موقع اور ایسی کوئی اپرچونیٹیز آپ کو مل جاتی ہیں کہ آپ کہتے ہیں چلو ٹھیک ہے اس کا آپ اللہ نے آپ کے لیے راستہ بنایا ہے تو وہ میرے خیال میں یہی ہوا ہوگا کہ اسی حوالے سے پھر یہاں تک پہنچ گئے یا اللہ نے کب آپ سے کیا کام لینا ہوتا ہے یہ وجہ بھی ہوتی ہے پھر اللہ آپ کو آٹومیٹک وہاں لے کر آتے ہیں جو لوگ ایف پی سی سی آئی کو نہیں جانتے کہ ایف پی سی سی آئی کیا ہوتی ہے وہ بتائیں کہ ایف پی سی سی آئی کیا ہوتی ہے اچھا جی ایف پی سی سی آئی یہ ہے ایف پی سی سی آئی ایبریویشن ہے فیڈریشن آف پاکستان چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کچھ اس طرح سے ہوتا ہے کہ ہر شہر کی اور اگر بڑا شہر ہو تو ہر علاقے کی اپنی اپنی چیمبر ہوتی ہے چیمبر میں کیا ہوتا ہے کہ اس علاقے میں جو بھی چھوٹے بڑے کاروبار والے ہیں وہ اس کے ممبر ہوتے ہیں
ताकि वो मुश्तरका तौर पे अपनी कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें या अपनी बात को सरकार तक पहुंचा सकें। चैम्बर का बुनियादी काम ये होता है अपने इलाके की। इसके बाद होता है जनाब के, ये तो हो गई इलाके के हिसाब से हो गई या शहर के हिसाब से हो गई, जिसमें मल्टीपल सेक्टर के लोग आके उसकी मेम्बरशिप ले सकते हैं। फिर एक होती है एसोसिएशन, मिसाल के तौर पे टायर एसोसिएशन है, तो पूरे पाकिस्तान में जितने भी टायर वाले होंगे, मैन्युफैक्चरर्स होंगे, वो अपनी एक एसोसिएशन बना लेंगे। हमारी जैसे होटल एसोसिएशन है, अब गिलगित से लेके और मकरान तक या पूरे पाकिस्तान में वो सारे होटल उस एसोसिएशन के अंदर आके मेंबर बन गए, ये एसोसिएशन हो गई। अब फेडरेशन होती है इन सब की माँ, मतलब फेडरेशन जितने भी चैम्बर्स हैं और जितनी भी एसोसिएशंस हैं, और इसके साथ साथ स्मॉल चैम्बर्स होती हैं कि जिन जो स्मॉल छोटे लेवल पे जो छोटे सरमाए के साथ जो काम कर रहे होते हैं उनकी चैम्बर्स होती हैं। फिर वुमेन चैम्बर्स होती हैं, औरतों की अपनी चैम्बर होती है। तो इन सबको यकजा करके फेडरेशन के अंदर लेकर आया जाता है, ताकि अब जितने भी पाकिस्तान के अंदर या किसी भी मुल्क के अंदर जितनी भी ट्रेड एसोसिएशंस हैं, चैम्बर्स हैं, स्मॉल चैम्बर्स हैं, वुमेन चैम्बर हैं, उन सब के दो दो नुमाइंदे फेडरेशन के अंदर आ जाते हैं। और फेडरेशन उन नुमाइंदों में से दो नुमाइंदे आते हैं, एक आता है एग्जीक्यूटिव कमेटी के अंदर और एक आता है जनरल बॉडी के अंदर। फिर जो एग्जीक्यूटिव कमेटी वाले होते हैं वो उनमें से ऑफिस बेरेट सेलेक्ट कर लेते हैं, प्रेसिडेंट, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट, और फिर हर सूबे का एक एक वाइस प्रेसिडेंट और एसोसिएशन के चार प्रेसिडेंट, वुमेन चैम्बर का एक वाइस प्रेसिडेंट और स्मॉल चैम्बर का एक प्रेसिडेंट। ये तो इसका स्ट्रक्चर हो गया। तो फेडरेशन जो है वो पाकिस्तान की ट्रेड की एपेक्स बॉडी है, मतलब जितनी भी बॉडीज़ हैं, जितनी भी चैम्बर्स हैं, FPCCI पाकिस्तान के अंदर इनकी एपेक्स सुप्रीम बॉडी है। तो जब सरकार को, गवर्नमेंट को कोई भी बात करनी होती है तो वो फेडरेशन उसको रिप्रेजेंट कर रही होती है। तो एक तो ये रोल हो गया, मतलब ये स्ट्रक्चर हो गया फेडरेशन का। इसके बाद फेडरेशन के रोल पे आ जाते हैं कि सरकार से कोई भी बात करनी है, पॉलिसीज़ पे बात करनी है, हम बजट की रिकमेंडेशन है, इम्पोर्ट पॉलिसी है, एक्सपोर्ट पॉलिसी है, उन पे बात करनी है, एक वो काम हो गया। इसके बाद आपस की जो भी ट्रेड्स हैं उनके क्या मसले मसाइल हैं, उनको किस तरह से बेहतर किया जा सकता है, ट्रेड को कैसे बढ़ाया जा सकता है, एक्सपोर्ट को कैसे बढ़ाया जा सकता है, इंडस्ट्री के क्या मसले मसाइल हैं, ये सारी बातें हो गई। इसके बाद एक बहुत अहम जो शोबा है, जो काम है फेडरेशन का, वो है रिसर्च एंड डेवलपमेंट, R&D। पाकिस्तान में क्या ज़रूरत है, अब किस सेक्टर में ज़रूरत है, मिसाल के तौर पे चागी का इलाका है बलूचिस्तान का, वहाँ मार्बल की या कोई और काने हैं, उनको कैसे रिफ़ाइन किया जाए, कैसे एक्सपोर्ट किया जाए, लोकल मार्केट में कैसे लाया जाए, लोकलाइजेशन कैसे बढ़ाई जाए, यू नो, ये इस किस्म की सारी चीज़ें रिसर्च डेवलपमेंट ही आ जाती है। तो ये डिफरेंट काम है फेडरेशन के। तो फिर आप वो रिकमेंड करते हैं गवर्नमेंट को कि ये ऐसे होना चाहिए? जी बिल्कुल, रिकमेंड करते हैं, रिकमेंड भी करते हैं और लेजॉन भी करते हैं। इंडस्ट्री, ट्रेड और गवर्नमेंट के दरमियान हम एज अ लेजॉन भी किरदार अदा करते हैं अपना। सर ज़ुबैर भाई, बच्चे जो हैं अपने वालदैन से पहचाने जाते हैं और दोस्त अपने दोस्तों से पहचाने जाते हैं। तो आपके वालिद जो हैं उनके बारे में बहुत इंटरेस्टिंग मैंने स्टोरीज सुनी हुई हैं, और आपने आज बताया कि वो हकीम सईद के दोस्त भी थे, हकीम सईद मेरे भी रोल मॉडल थे। तो उनके बारे में बताएं, बहुत ही इंटरेस्टिंग इंसान होंगे जो इतने बड़े 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 काम करने वाले तो नॉर्मल लोग नहीं होते। मेरे वालिद साहब बिलाशुबा एक बहुत ही खूबसूरत और एक बहुत आप समझें कि ज़बरदस्त शख्सियत के मालिक थे, और बहुत उनके अंदर मतलब मैंने तो ऐसे लोग बहुत कम देखे, शायद अल्लाह ताला ने बनाने अब कम कर दिए होंगे, कहते हैं ना स्पेशल एडिशन, वो स्पेशल एडिशन वाले लोग थे। मेरे वालिद साहब की स्टोरी ये है कि जब ये लोग पाकिस्तान आए माइग्रेट करके, तो ही वॉज़ वेरी यंग एट दैट टाइम, और वो अबू बताते हैं कि उस ज़माने में जब वो यहाँ पर आए तो उनके पास कोई पाई पैसा नहीं था, और उन्होंने लिटरली वो जो रेलवे स्टेशन पे कुली का काम करके, मतलब ये नो वो काम भी उन्होंने किया,
और फिर बताते थे कि उनके पास दो शर्टें होती थीं, तो एक शर्ट पहनते थे तो एक धोते थे, तो इस तरह की भी चीज़ें बताते थे। फिर वो बड़े मज़े की एक बात और हुई कि अब्बू का वो हुआ, कैटरिक का ऑपरेशन हुआ, तो जब कैटरिक का ऑपरेशन करा के मैं ही कराने ले गया था उनको, तो उसने डॉक्टर ने बोला कि यार जाके वो इनको वो सनग्लासेस दिला देना। अच्छा, मेरे वालिद साहब, मैं आपको फिर बाद में पूरी स्टोरी बताऊंगा, लेकिन मैं ये क्योंकि वाकया याद आ गया तो मैं आपको इसलिए बीच में सुना रहा हूँ। तो कहना कि चलो यार वहाँ चलो एमजना रोड, तो वहाँ पे मेरे दोस्त की दुकान है, वहाँ से मैं फ्री में चश्मा लूँगा। तो मैं इनको ले गया वहाँ पे जो अभी KMC का ऑफिस है, तो उसके सामने उनकी कोई दोस्त की दुकान थी, ऑप्टिकल पैलेस आई डोंट नो जो भी उसका वो था। तो वहाँ पे वो कहने लगे कि जुबैर वो देख रहा सामने, वहाँ पे मैं ना फुटपाथ पे मैं छाबड़ी लगाता था, मतलब मैंने वहाँ से काम शुरू किया है। तो वो इसी किस्म के हमारे वाले साहब थे कि बिल्कुल उन्होंने स्मॉल स्केल से काम शुरू किया, लिटरली ये जो छाबड़ी लगाना या ये यहाँ से इन्होंने काम शुरू किया। फिर बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी ये है कि वो यहाँ तक पहुँचे कैसे, ये बड़ी एक मज़े की बात है। और मैं ये चाहता हूँ कि मैं ये स्टोरी बताऊँ आज के नौजवानों को कि सिर्फ पैसा ही पैसे को नहीं बनाता, बल्कि आपके इरादे और आपकी मेहनत भी आपको उस मकाम पे ले जा सकती है जो कि हमने ख़ुद अपने वाले साहब को अपनी ज़िंदगी में देखा। मतलब हम भी जब छोटे भी थे उस वक्त भी हमने यही देखा कि अब्बू ने हमेशा जो इरादा किया उस इरादे पे लग गए वो, और वो यही कहते थे कि यार जब एक दफ़ा इरादा कर लो फिर उसको, जो एक कामयाब इंसान की निशानी है वो यही है कि अपने इरादे के ऊपर फिर वो मुस्तकहम रहे। तो अब्बू की जो दो तीन बहुत ज़्यादा क्वालिटीज़ थीं वो ये थीं कि उनकी विल पावर बहुत ज़बरदस्त थी, जो बात एक दफ़ा सोच ली तो सोच ली, करना है उसको, इरादे के मुस्तकिम थे, मेहनती आदमी थे और ईमानदार आदमी थे। अब स्टोरी जनाब इस तरह शुरू होती है कि वो आपको पता है कि उस ज़माने में हमारे जापान से बहुत ज़्यादा ट्रेड होती थी उस ज़माने में, क्योंकि जापान भी उस वक्त नया नया वर्ल्ड वॉर से निकला था, जिस तरह आजकल चाइना से हो रही है उस वक्त जापान से होती थी। तो हमारे वाले साहब भी और हमारी कम्युनिटी के काफ़ी लोग जापान से सामान लेकर आते थे, हम लोग दिल्ली पंजाबी सौदागरान हैं, तो ये सौदागरी और ये ट्रेडिंग हमारा, सारी ऐसी बातें हमारी कम्युनिटी का, हमारी फैमिली का बिज़नेस यही होता था उस ज़माने में। तो ये वहाँ से लाते थे, ट्रांसिस्टर लाते थे, चश्मे और डिफरेंट चीज़ें वहाँ से ला के यहाँ बेचते थे। फिर उन्होंने यहीं पर छोटी सी एक फैक्ट्री लगाई चश्मा बनाने की, और वो चश्मा बनाते थे। और फैक्ट्री क्या थी, वो ऊपर फ्लैट था, नीचे गोदाम था, उसी गोदाम के अंदर एक मशीन लगा दी और वहीं से चश्मे बनते थे वो। तो जब वो कुछ पैसे वैसे जमा हुए इनके पास, तो इन्होंने एक प्लॉट ख़रीदा वहाँ पे सदर के अंदर कि वहाँ पे अपना कोई बिल्डिंग बना के और बिल्डिंग बेच देंगे। उस ज़माने में लोग यही करते थे कि, और आज भी यही करते हैं कि जो कुछ पैसे जमा होते हैं तो प्लॉट ले लिया, उस पर फ्लैट बना के बेच दिए। और इनका जापान आना जाना बहुत होता था। अब जब ये वो बिल्डिंग पहली मंजिल तक पहुंची, तो ये इन्होंने देखा कि यार पीछे जो है वो जज़ाम वालों का हॉस्पिटल है कोई, तो इन्होंने कहा कि यार ये तो फ्लॉप हो जाएगा और ये अपार्टमेंट्स यहाँ नहीं बिक पाएंगे। तो उस ज़माने में होटल की भी कमी थी कराची के अंदर, और ये जापान आते जाते बहुत थे, तो उन्होंने कहा कि मैं इसको होटल में कन्वर्ट कर देता हूँ। तो वो बाई चॉइस नहीं, बाई सर्कमस्टेंसेस के थ्रू इन्होंने उसको होटल में कन्वर्ट कर दिया। तो उस होटल का नाम है नेशनल सिटी होटल। अभी मुझे किसी ने बताया कि वो अब जो भी है वो अब उन्होंने होटल ख़त्म हो गया है, अब वो फ्लैट्स वगैरह या ऑफिसेज बन गए, लेकिन अब से 5-7 साल पहले तक भी वो होटल ही था। तो वो हमारा पहला होटल था। तो वहाँ वाले साहब ख़ुद मतलब रिसेप्शन पे खड़ा होना और बताते थे कि मैं गाड़ी लेके और जाता था एयरपोर्ट, PIE का लेवर आ रहा है, दूसरे लेवर आ रहा है, उनको लेकर आता था। तो वहाँ से इन्होंने अपना ये कैरियर और अपना सारा सिलसिला शुरू किया। अल्लाह ने वहाँ बड़ी बरकत दी मेहनत से और जो उन्होंने काम किया। तो साथ ही इन्होंने फिर वो आगे एक और कोई ज़मीन बिक रही थी वो भी ले ली और वहाँ पर एक और होटल बना दिया, उसका नाम था रॉयल सिटी। तो आज भी सदर में अगर आप जाएंगे पासपोर्ट ऑफिस की तरफ गलियों में, ये दो होटल आपको आज भी मिलेंगे। फिर उस ज़माने में कोई अफ्रीका से कोई बंदा आया हुआ था, अफ्रीका में कोई रिसेशन थी उस ज़माने में, कोई वो यहाँ काम की तलाश में था। मेरे अब्बू जो हैं वो कारोबारी आदमी थे, उनको उसकी अच्छे पैसे मिले, उन्होंने वो दोनों होटल उस बंदे को बेच दिए,
अफ्रीकन, पाकिस्तानी अफ्रीकन बंदा था, अफ्रीकन नहीं था, मतलब जो यहाँ से लोग अफ्रीका में या कहीं चले जाके काम करते हैं, तो उस किस्म का कोई बंदा था, उसको बेच दिया अच्छे पैसों में। और ये मेहरान होटल वाली ज़मीन का ऑक्शन होने वाला था, तो डिटर्मिनेशन की जो मैं आपसे बात कर रहा था और विल पावर की, तो इन्होंने ये तहिया कर लिया कि यार ये ज़मीन तो मैंने लेनी ही लेनी है, अभी ऑक्शन नहीं हुआ, अभी ज़मीन इनके पास आई नहीं, लेकिन इन्होंने ये इरादा कर लिया कि मैंने ये ज़मीन ख़रीदनी ही ख़रीदनी है। अब जो भी उसकी डेट होगी, महीने भर बाद की या 40 दिन बाद की, तो इनका पैसे मेरे पास पड़े हुए, ज़मीन 40 दिन बाद तो मेरे पास आनी आनी है। ये गए आर्किटेक्ट के, उसका साइट प्लान निकलवाया ज़मीन का, और गए आर्किटेक्ट के पास कि भाई इसके ऊपर तो मुझे होटल का होटल डिज़ाइन कर दो। उसने उसके ऊपर होटल का नक्शा बना दिया। अब मज़े की बात यह है कि जिस दिन ऑक्शन होना था, उससे एक रात पहले इन्होंने उसके प्लॉट पे सीमेंट, बजरी, सरिया सब गिरवा दिया कि कल तो इसका ऑक्शन होना है, ये मुझे प्लॉट लेना है, नक्शा तैयार है मेरे पास। इन्होंने सीमेंट, बजरी, सरिया सब गिरवा दिया उसके अंदर। अब जनाब ऑक्शन शुरू हुआ। उस ज़माने में यही सारे जो बता रहे थे अबू के हाशवानी और जितने भी सारे बड़े बड़े नाम थे उस वक्त के, वो सब ऑक्शन में थे। अच्छा, वो बिल्कुल फिल्मों वाला सीन था, बिल्कुल। वो कहने लगे कि वो इन लोगों ने ये भांप लिया कि भाई ये मैं तो होटल, ये ज़मीन लेने के पूरे मूड के अंदर हूँ, तो वो जिस तरह फिल्मों में होता है ना कि वो प्राइस बढ़ती जाती है, अगर रिज़र्व प्राइस मिसाल के तौर पर 100 रुपये है और आप इंटरेस्ट शो कर रहे हैं उसके अंदर लेने का, तो लोग भी फिर आपके साथ उस तरह से फिर वो कर रहे होते हैं कि जी 125, 150, 200। तो वो कहीं जाके जो रिज़र्व वैल्यू थी, अब मुझे एग्जैक्टली उसका फिगर या नंबर नहीं याद, लेकिन जो भी रिज़र्व वैल्यू थी उससे कई गुना पे जाके इनकी जो बिड थी वो क्लोज़ हुई। तो वो जब बिड क्लोज़ हो गई इनकी, तो जो ऑफिसर था जो वो जो कंडक्ट करा रहा था ऑक्शन, तो उसने इनको दोबारा पूछा कि भाई आप आर यू ओके, आप ये ज़मीन ले रहे हो? हाँ जी मैं ले रहा हूँ ज़मीन। तो इनको लेके जो वो डायरेक्टर जनरल, मेरे ख्याल में इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग निज़ामी साहब थे उस वक्त KDA के डायरेक्टर, उनके पास ले गए कि भाई ये बावजा साहब ने तो ये ज़मीन ख़रीद ली और हमारी रिज़र्व प्राइस से ज़्यादा में ख़रीदी। तो वो उन्होंने भी इनसे डबल कन्फर्म किया कि आप मतलब आप ले रहे हो ज़मीन, अच्छा आप बाद में बैकआउट कर जाओगे और ये वो। कह रहे नहीं भाई, मैंने आपको बिड दे दी, ज़मान दे दी, मैं अपनी ज़मान का पासदारी करूँगा और आप ज़मीन मुझे दीजिए आप ये। तो वो कहने लगे कि यार आप इतनी महंगी ज़मीन क्यों ख़रीद रहे हो ये, और मतलब आप करोगे क्या इसके ऊपर? कहने लगे भाई मैं असल में इस पर होटल बनाऊँगा, मैंने अपना पूरा जहन बना लिया है, मेरे पास नक्शे तैयार हैं, अब अगर आपको लग रहा है कि मैं ज़्यादा पैसे दे रहा हूँ तो आप मुझे एक फेवर दे दीजिए। क्या फेवर दे दें भाई? फेवर ही करें कि नक्शे मेरे पास तैयार हैं, नक्शे मैं अभी जमा करा रहा हूँ, इसको आप अकॉर्डिंग टू बाई लॉस पास कर दीजिए और मुझे तमाम यूटिलिटीज़ आप मुझे अभी प्रोवाइड कर दीजिए। अभी से मुराद अगले 2-4 दिनों में, महीने भर में बिजली की लाइन है, पानी की लाइन है, सेवरेज की लाइन है, ये लाइनें आप मुझे दे दीजिए ताकि मैं अपना काम शुरू करूँ, क्योंकि मेरा मैं बिजनेसमैन हूँ और बिजनेसमैन की टाइम इज़ एवरीथिंग ना। अगर मेरा अगर टाइम मैं अगर ज़्यादा पैसे दे भी रहा हूँ और मैं टाइम अपना ये सेव कर लेता हूँ तो आई एम ओके विद इट। तो वो उन्होंने जनाब जो भी इनके अकॉर्डिंग टू बाई लॉस नक्शे वगैरह पास करें, तमाम यूटिलिटीज़ की वो लाइनें दी और इन्होंने जनाब दिन रात एक करके वो होटल खड़ा कर दिया। बल्कि वो हमारे एक और दोस्त है मेरा, कंस्ट्रक्शन में है अभी भी वो, तो सामने मेहरान के सामने 2 टावर हैं, मेरे ख्याल में रिम्पा टावर हैं या रिम्पा कॉम्प्लेक्स क्या नाम है उसका, काशिफ सेंटर के अपोजिट बिल्कुल। तो उनके वाले साहब वो बिल्डिंग बना रहे थे, तो अभी कुछ अरसे पहले वो अब्बू से मुलाकात हुई उनकी, तो कहने लगे यार आपका, आप बना रहे थे मेहरान होटल, हम बना रहे थे ये, और आप जनाब आप उसको मजदूर को वेजेस भी ज़्यादा देते थे और रोज़ाना शाम को आप उनकी वेजेस बांटते थे, तो सारे मजदूर सारी लेबर आपके पास आती थी, हम बैठे रहते थे। तो उन्होंने बहरहाल अपनी उसके ज़रिए सारा वो होटल शोटल बनाया। उसकी भी एक फिर एक लंबी स्टोरी है, क्योंकि वो किस तरह बना, वो क्या हुआ, अगर कभी टाइम होगा तो मैं आपको दोबारा बताऊंगा वो कि किस तरीके से फिर वो फाइनेंस अरेंज होते गए और किस तरह से होता गया। चले मैं थोड़ा बहुत आपको बता देता हूँ ताकि आपको एक कंटिन्यूटी रहे उसके अंदर। अब इन्होंने ज़मीन तो ख़रीद ली महंगे दामों पे, स्ट्रक्चर बना लिया, अब पैसे ख़त्म हो गए कि भाई अब क्या करेंगे, पैसे कहाँ से आएंगे? तो कहते हैं यार मैं तो वही होटल के जो बंदरा था तो वहीं पर चरपाई डाल के वो बैठते थे, काम करवाते थे। कह लेंगे भाई वो मैं बैठा हुआ था तो एक मर्सिडीज़ आके रुकी, कह लगा भाई ये कौन है, किसका होटल है, कौन बना रहा है ये?
तो उसने बोला भाई ये बैठे हुए फिरोज साहब हैं बैठे हुए ये, तो वो आके बैठ गया। कहने जी कि मैं वहाँ से आया हूँ अपना ईरान एयर से, और हम यहाँ पे अपना हमको ऑफिस खोलना है, ये आपकी नई बिल्डिंग बन रही है, तो आप हमें ये जगह दे दें हमें। आप अगर अभी भी आप देखें मेहरान होटल के एक कोने पे ईरान ऑफिस का, ईरान एयर का ऑफिस है। तो वहाँ से फिर वो उसको बेची या जो भी उसको लीज पे दी होगी तो एक पैसे वहाँ से आए। इसी तरह कह रहे थे कि हम उस वक्त फेरी रोड पे रहते थे, चौथे माले पे हमारा घर था। कह रहे एक रात को दस्तक हुई तो एक सूटेड बूटेड आदमी खड़ा हुआ है ब्रीफ के साथ में लेके, कि भाई मैं कंट्री मैनेजर हूँ अभी बैंक का, तो आपका वहाँ शरा फैसल पे ये होटल बन रहा है, तो हाँ हमको आप वहाँ पे जगह दे दें, हमने वहाँ ब्रांच खोलनी है, ऑफिस खोलना है। तो अगर अभी भी आप देखें मेरा होटल, आप जाएँ एक कोने पे ईरान एयर है, एक कोने पे हबीब बैंक है। तो अल्लाह ताला इस तरीके से ये रास्ते पैदा कर रहे होते हैं। तो वहाँ से लोग खटखटा के आ रहे हैं और इस तरह कुछ कर रहे हैं। यहाँ तक पहुँचे तो वो होटल की बिल्डिंग कंप्लीट हो गई और कोई दो तीन फ्लोर में फर्नीचर डल गया, होटल खुल गया। अब आपको ये भी याद होगा कि उसी ज़माने में 73-74 के ज़माने में भुट्टो साहब ने एक इस्लामिक समिट कराई थी, जिसमें तमाम मुल्कों के तमाम इस्लामिक लोगों को बुलाया था। कराची में होटल नहीं थे। अब ये फॉरेन ऑफिस का कोई जो भी को टास्क दिया गया होगा कि भाई ये मेहमान आने वाले हैं, होटल के रूम चाहिए। अभी होटल तो तैयार था, लेकिन सारे रूम, क्योंकि पैसे उस वक्त नहीं थे इतने कि तमाम रूम खुले जाते, तो वो कुछ रूम्स बंद थे जो फर्निश नहीं हुए हुए थे। तो ये फॉरेन ऑफिस वाले आए हमारे वाले साहब के पास कि भाई आप अपना पूरा होटल तैयार कर लें, हमको ये रूम चाहिए, ये पूरा डेलीगेशन आ रहे हैं। उन्होंने कहा भाई आप एडवांस पैसे दे दो, मुझे पैसे दोगे मैं बना दूंगा। तो वहाँ से वो पैसे आए, उनसे बाकी रूम बनाए गए। तो यू नो ये अल्लाह ताला किस तरीके से, अगर आप सिर्फ अपना इरादा मुस्तहकिम कर लें कि खुद ब खुद कैसे चीज़ें आ रही होती हैं। खैर फिर माशाल्लाह मेहरान तो वॉज अ वेरी सक्सेसफुल वेंचर एट दैट टाइम। उस ज़माने में हालात भी बहुत अच्छे थे, टूरिज़म भी बहुत अच्छा था, एक्सक्यूज़ मी, अरब कंट्रीज से भी बहुत लोग आते थे, यूरोपियंस बहुत आते थे। मुझे याद है हम बच्चे होते थे उस ज़माने में, तो हम बाकायदा अरबों को, यूरोपियंस को हम देखते थे कि हाँ आ रहे हैं, ठहर रहे हैं, ये सब कुछ हो रहा है। बस फिर वो अब्बू को फिर और आगे बढ़ने का था, यार मैं और आगे बढ़ूँ और अपना आगे लेके जाऊँ चीज़ों को। तो फिर वो मेहरान को सेल किया, फिर ये ताजमहल की ज़मीन ली। उस मेहरान किसने ख़रीदा था? मेहरान को ये सेठ आबिद की फैमिली ने ख़रीदा था उस ज़माने में। उसके बाद जनाब ताजमहल बनाया, फिर ताजमहल से अब ये सारा सिलसिला। ताजमहल का नाम क्यों बदल दिया? अच्छा अब ये भी बड़े मज़े की बात है, ये है ना, ये सवाल हर आदमी करता है और बहुत दफ़ा जो है ना बड़ा मतलब वो अजीब सा भी लगता है। देखें एक बात तो ये समझे रेहान, माशाल्लाह आपकी भी इतनी ट्रैवलिंग होती है, आपने मुझे बताया था अभी सुबह के 3 महीने आप पाकिस्तान में रहते हैं, बाकी महीने बाहर रहते हैं। आप दुबई से लेके और वहाँ तक कैरेबियन तक कहीं भी चले जाएं, किसी भी होटल का हर साल नाम चेंज होना कोई बड़ी बात नहीं होती, बल्कि होटल से नाम चेंज होते रहते हैं, क्योंकि होटल तो एक बिल्डिंग है ना। अब कभी उसमें हॉलीडे इन का टैग फ्लैग लग जाएगा, कभी हिल्टन का लग जाएगा, कभी किसी और का लग जाएगा। तो ताजमहल तो बनाया था उसके आर्किटेक्चर के हिसाब से, और जो हमारा एक दिल्ली का बैकग्राउंड या इंडिया का बैकग्राउंड समझने हो सकते हैं उनके जहन में वो चीज़ हो, ताजमहल वो बना दिया था। फिर उस ज़माने में अपॉर्चुनिटी मिली क्राउन प्लाज़ा की फ्रेंचाइज़ की। क्राउन प्लाज़ा डीलक्स 5-स्टार चेन है वर्ल्ड वाइड, हमें अपॉर्चुनिटी मिली तो हमने क्राउन प्लाज़ा से उसकी फ्रेंचाइज़ ले ली। ये बात है 1993 की। अब आपको ये भी याद होगा कि 1993 वाला जो पूरा जो वो 90s का जो पूरा एरा था वो पॉलिटिकली इतना अच्छा नहीं था कराची के लिए। काफ़ी लॉ एंड ऑर्डर के काफ़ी मसले थे, फॉरनर्स नहीं आ रहे थे काफ़ी था। तो ज़ाहरी सी बात है कि जो फ्रेंचाइज होती हैं उनकी अपनी एक रॉयल्टी फ़ीस होती है, उनके अपने कुछ स्टैंडर्ड्स होते हैं जिन पर आपकी कॉस्ट बड़ी हैवी लग रही होती है, तो वो मेंटेन नहीं हो पा रही थी। तो हमको मजबूरी तौर पे हमारी तरफ से भी ये हुआ कि हम इसको अफोर्ड नहीं कर पा रहे। उसके अलावा एक वजह ये भी थी कि हमारे तीन फ्लोर बंद कर दिए थे क्योंकि इतना बिजनेस नहीं था, और इन लोगों का ये था कि जी आप अपने ये सारे रूम्स को जो है वो खोलें, बिजनेस नहीं था, कॉस्ट ज़्यादा थी, तो एक वजह ये भी थी। तीसरा अगर आप उस ज़माने में दोबारा वापस जाएँ 90s के अंदर, तो हॉलीडे इन के 4-5 होटल थे अक्रॉस द पाकिस्तान,
اسلام آباد ہالیڈے ان تھا، لاہور تھا اور ملتان تھا، تو انہوں نے یکے بعد دیگرے تمام اپنے آپریشنس یہاں سے پاکستان سے ختم کر دیے تھے۔ تو یہ تین چار وجوہات ہوئیں جن کی وجہ سے ہم نے کراؤن پلازا واپس کر دیا۔ اب یہ ایک بڑا ٹرکی ایک وقت آ گیا تھا کہ یار کراؤن پلازا واپس چلا گیا، اب کیا کریں، کیا کسی اور ہوٹل کی فرینچائز لے کر آئیں یا اپنے نام سے چلائیں۔ اب چونکہ حالات تو ٹھیک تھے ہی نہیں، تو فرینچائز تو دوسرے لانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا، تو ہم نے سوچا کہ ہم واپس تاج محل نام رکھیں یا کوئی نیا نام رکھیں۔ آج مجھے لگتا ہے کہ ہم کو تاج محل نام ہی واپس رکھنا چاہیے تھا اگر ہم کوئی فرینچائز نہیں لا رہے تھے تو۔ ہم تاج، کیونکہ آج بھی لوگ تاج محل کے نام سے ہی اس بلڈنگ کو پہچانتے ہیں اور خوشی محسوس کرتے ہیں کہ یار یہ تاج محل ہے، کیونکہ تاج محل 80s میں کراچی کا ایک گلوریفائڈ ایک گلوری تھا، ایک اس کی ایک وہ تھی، ایک لینڈ مارک ہوتا تھا اس زمانے کے اندر۔ تو کہ بہرحال وہ اب تو آپ وقت کو تو پیچھے لے کے نہیں جا سکتے جو 20 سال کو، تو ریجنٹ پلازا، اب ریجنٹ پلازا از آلسو انگلش ورژن آف انگلش ٹرانسلیشن آف تاج محل، اس کا مطلب وہی ہوتا ہے، تو وہ یہ ہے۔ صحیح۔ اچھا، ہمارے ملک میں ٹوٹل چیمبرز آف کامرس کتنی ہیں اور چیمبر کا کام کیا ہوتا ہے؟ اچھا دیکھیں، فرینکلی اسپیکنگ ابھی تو ایک دم سے مجھے، میں آپ کو ایگزیکٹ فگر تو نہیں بتا سکتا کہ کتنی چیمبر ہیں، 50 سے زیادہ ہیں، ہاں اندازہ اتنی تو ہوں گی۔ اور چیمبر کا کام میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا، چیمبر کا کام یہ ہوتا ہے، چیمبر آئیڈیلی طور پہ ہر شہر کی ہوتی ہے، اور اگر بڑا شہر ہو تو آپ ایک شہر میں دو تین، ایک جس طرح ڈسٹرکٹ ہوتے ہیں شہر کے اندر، تو آپ دو تین چیمبرز بھی بنا سکتے ہیں۔ چیمبر کا کام یہ ہوتا ہے کہ اس شہر کے یا اس علاقے کے جتنے بھی بزنس ہیں، ٹریڈرز ہیں، ان سب کو یکجا کر کے ایک جگہ ہوتی ہے جہاں پہ وہ اپنے مسئلوں کو ڈسکس کرتے ہیں اور اپنی آگے کیسے لے کے چلنا ہے، کیا کرنا ہے، کیا پرابلمس ہیں، وہ جو ایک سمجھ لیں کہ آپ ایک ایسوسیشن ہوتی ہے ان کی، کہ اس کو کس طریقے سے اپنے کام کو، پرابلمس کو حل کرنا ہے، یہ ایک مین کام ہوتا ہے چیمبر کا۔ تو اب آپ آگے ایف پی سی سی آئی کو کہاں لے کے جانا چاہتے ہیں، پاکستان کو کہاں لے کے جانا چاہتے ہیں؟ اچھا دیکھیں، ایف پی سی سی آئی کا تو میں ساری سی بات ہے، خالی ابھی ایک سال کے لیے آیا ہوں۔ یہ جو الیکشن ہوتا ہے، جو سیٹ ہوتی ہے، وہ ایک سال کے لیے ہوتی ہے، اس ایک سال میں سے آج 2 مہینے تو ختم ہو گئے پورے، آخر کے 2 مہینے آپ ہٹا دیجئے الیکشن کے سلسلے کے اندر، بیچ کا 1 مہینہ رمضان کا ہٹا دیجئے، سمجھے 5 مہینے تو ختم ہو گئے، 7 مہینے 5 مہینے رہ گئے۔ تو میں اپنی پوری کوشش کر رہا ہوں، اب اپنا ٹائم بھی پورا ڈیووٹ کر رہا ہوں، جو مجھے کر سکتا ہوں، جو اپرچونیٹی ملتی ہے ایف پی سی سی آئی کے لیے میں وہ کام کر رہا ہوں۔ لیکن اگر آپ مجھ سے یہ پوچھیں کہ میرا ان لارج میرا مشن یا میرا ویژن کیا ہے، تو میں آپ کو وہ بہت اچھی طرح بتا سکتا ہوں۔ اس میں یقیناً ایف پی سی سی آئی سے بھی ہمیں ایک ہمارے لیے بہت بڑا ایک پلیٹفارم ہے، اور اس کے علاوہ بھی جو میں آپ سے مل رہا ہوں یا جن بھی لوگوں سے مل رہا ہوں، میں یہی بات کر رہا ہوں کہ کسی طرح اللہ تعالیٰ جو میرے اس مشن کو یا میرے اس ویژن کو اللہ تعالیٰ کسی طریقے سے اگر اکمپلش کرتے ہیں تو وہ بہت اچھی چیز ہوگی۔ اچھا، میں نے اب آ کے یہ دیکھا اپنی، میں نے کاروباری لائف کے اندر بھی، نارمل جو نارمل لائف میں بھی ہم جو ساری دیکھتے ہیں دنیا کو، باتیں کرتے ہیں، اور یہاں پر آ کر بھی، کہ ابھی ہمارے بہت سارے مسئلوں میں سے ایک بہت بڑا مسئلہ ہمارا بے روزگاری کا ہے، ان امپلائمنٹ کا۔ اب پاکستان کی آبادی آپ کہتے ہیں کہ 20-22 کروڑ آبادی ہے، اور جس کے اندر ایک جو فگرز ہیں 60-65% یوتھ ہے۔ یوتھ سے میری مراد 18 سال سے لے کے اور 26-27 سال تک کا بچہ ہے، کہ جن میں سے بیشتر لوگوں کے پاس روزگار نہیں ہے۔ اور پچھلے دنوں جو آپ نے دیکھا، جو لا اینڈ آرڈر کی ایک بہت بڑی وجہ، اور ابھی بھی جو سنیچنگ اور یہ سب چیزیں ہیں، اس کی وجہ روزگار کا نہ ہونا ہے۔ کہتے ہیں کہ خالی دماغ شیطان کا کارخانہ بن جاتا ہے۔ تو ہم جیسے لوگوں کو یہ، کیونکہ یہ کام صرف حکومت کا نہیں ہے، ہم جیسے لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے کسی بھی حیثیت کے اندر چنا ہے، یہ ہم سب کا فرض ہے کہ ہم اس ایک بہت بڑے مسئلے کو کیسے حل کریں۔ اب اس میں میں نے یہ دیکھا کہ ٹھیک ہے، انڈسٹریلائزیشن ہونی چاہیے، پرائم منسٹر عمران خان صاحب کا بہت زیادہ فوکس اس بات کے اوپر ہے کہ ملک کو دوبارہ انڈسٹریلائزیشن کی طرف لایا جائے، انڈسٹریز لگائی جائیں،
اور وہ یہ کہتے بھی ہیں کہ ایوب صاحب کے بعد اب میں مطلب میں چاہتا ہوں کہ یہ ایک تو اس ایرا میں بڑی انڈسٹریز لگی ہماری 60s کے اندر, اب دوبارہ وہ آنا چاہیے, بالکل آنا چاہیے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور میکرو لیول پہ, لارج لیول پہ انڈسٹریلائزیشن ہی ایک حل ہوگا انمپلائمنٹ کو ختم کرنے کا, اور ملک کے اندر پرسپیریٹی لانے کا ایک بہت بڑا یہ ذریعہ ہوگا. لیکن اب جب تک وہ نہیں ہوتا, کیونکہ اس کے بھی بہت سارے مسئلے ہیں نا, اب آپ کو کوئی انڈسٹری لگانی ہے تو ابھی تو آپ انٹرسٹ ریٹ کا مسئلہ ہے, یوٹیلیٹیز کا مسئلہ ہے, گیس نہیں ہے, سرمایہ نہیں ہے, دیئر سو مینی پرابلمس. اب ان تمام پرابلمس کو رکھتے ہوئے سولوشن کیا ہے؟ تو اس کی نظر میں میں سمجھتا ہوں کہ سولوشن یہ ہے کہ ہم کو کاٹیج انڈسٹری, ایس ایم ای سیکٹر, اس کو ہمیں پروموٹ کرنا چاہیے. اور اس کے اندر بھی اگر ہم تھوڑا سا اس کو آئیڈینٹیفائی کریں, آئی ٹی کے اوپر بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے. آپ کا خود کا تعلق آئی ٹی سے ہے, آپ مجھے بتا رہے تھے ابھی. اچھا, اب کہنے کو تو آئی ٹی دو لفظ ہیں, انفارمیشن ٹیکنالوجی, لیکن اس وقت میں سمجھتا ہوں پوری یونیورس شامل ہے اس کے اندر, ہر چیز کے اندر آئی ٹی ہے. میں ہوٹل بزنس کے اندر ہوں, میں ابھی کسی کو بتا رہا تھا, پتہ نہیں آج صبح کہیں پہ, کہ آج سے 20 سال پہلے میں امریکہ گیا تھا اور مجھے امریکہ سے لندن آنا تھا کسی دوست کو, اور اس دوست نے مجھے پک کرنا تھا. اس زمانے میں اسمارٹ فون نہیں ہوتے تھے, اس زمانے میں واٹس ایپ نہیں ہوتے تھے, فون کال مہنگی ہوتی تھی بہت, ٹھیک ہے, تو ای میل ایک بڑا سستا اور بڑا آسان ذریعہ تھا. تو وہ ای میل کرنے کے لیے ہم لوگ اورلینڈو میں اندر ایک ہوٹل میں ٹھہرے ہوئے تھے, انٹرنیشنل ڈرائیو کے اوپر آنا تھا, کسی نے بتایا وہاں چلے جاؤ, وہاں سے وہ میریڈین تھا یا پتہ نہیں کون سا ہوٹل تھا, وہاں کی بزنس سینٹر سے جا کے ای میل جا کے کر لو. تو میں جناب جب وہاں گیا تو آج سے 20 سال پہلے, وہ مجھے ابھی بھی یاد ہے, اس کا بزنس سینٹر ٹوٹل آٹومیشن کے اوپر تھا, ہیومن لیس, بندہ ہی نہیں تھا وہاں پہ, ہر چیز کارڈ کے ذریعے یا ہر چیز کمپیوٹر کے ذریعے ہو رہی تھی. تو 20 سال پہلے امریکہ میں ہیومن لیس آفس کا یا سسٹم آ گیا تھا, تو آج تو ہم 20 سال بعد, تو آپ جب ہم بات کرتے ہیں اے آئی کی اور ساری باتیں کر رہے ہوتے ہیں اور روبوٹک اور ساری چیزیں, تو دنیا کہاں جا رہی ہے؟ اچھا, اب یہ ایک اور بڑے مزے کی بات ہے, صبح کسی سے بات ہو رہی تھی تو وہ پوچھا کہ جی یہ سارا روبوٹک آ جائیں گے اور اے آئی آ جائے گی تو پھر ہیومن ریسورس کیا ہوگا, یہ لوگ کہاں جائیں گے؟ تو اس نے بڑا اچھا جواب دیا, اس نے بولا کہ یار جب ہم چھوٹے ہوتے تھے تو یہ سینما کے جو بورڈ ہیں یہ کون کیسے بنتے تھے, یہ نا جی ہاتھ سے بنتے تھے, تو آج کیا ہوا, آج جو وہ ہاتھ سے بنانے والے بورڈ آج بھی بن رہے ہیں نا, لیکن ٹیکنالوجی چینج ہوگی. جو پہلے وہ گرو جی ہاتھ سے بورڈ بناتے تھے, اب وہ چیزیں کمپیوٹر پہ بن رہی ہیں, اس کے پلاٹرس آ گئے, اس کی الگ ٹیمیں آ گئیں. تو بات یہ نہیں ہے کہ روبوٹک یا آئی ٹی یا اے آئی یا آنے سے آپ کی کوئی ہیومن ریسورس میں کمی آ جائے گی یا وہ ہوگی, چینج آف ٹیکنالوجی ہے, آپ کو اس طرف جانا ہے, سمجھنا ہے اس کو. اور آئی ٹی کے اندر ہی کتنی ساری چیزیں ہیں, یا آپ مجھ سے بہتر آپ سمجھتے ہیں. تو میں نے یہ اندازہ لگایا, بات کہاں سے کہاں نکل گئی, میں نے یہ سوچا, میں یہ سوچتا ہوں یہ کمرہ ہے, مطلب اس کمرے میں آپ یہ ویڈیو بنا رہے ہیں اور اس ویڈیو سے آپ, یہ بھی آئی ٹی کا ہی ایک سلسلہ ہوا, اور ابھی آپ مجھے ہی بتا رہے تھے کہ یار اس کی کیا افادیت ہے اور یہ کس طرح میسج ٹرانسفر ہوتا ہے اور کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں. تو اس کمرے میں ہمیں کیا ہے, یہ کمرہ ہے, یہ لائٹیں لگی ہوئی ہیں, اے سی لگا ہوا ہے, انٹرنیٹ کا کنیکشن ہے, دیٹس اٹ, اور کیا ہے؟ تو اس کمرے میں بیٹھ کے ایک بچہ کاروبار نہیں کر سکتا کیا؟ اس میرے حساب سے بہت آرام سے ایک بچہ, اگر آپ اس کو ایک جگہ دے دیں, ایک کمپیوٹر دے دیں, انٹرنیٹ کی لائن دے دیں, اچھا سا ایسا اگر اسی نہ بھی دیں, پنکھا دے دیں, کسی گیس کی ضرورت نہیں ہے, کسی جنریٹر کی ضرورت نہیں ہے, اور کسی آپ کو سائٹ کی, کورنگی کی, شارع فیصل کی, بات آئرن کی, کلفٹن کی, کسی آپ کو جگہ کی ضرورت نہیں ہے. آپ کسی بھی کونے کھدڑے پہ کہیں بھی جا کے اس کو جگہ دے دیجیے اور اس کو سکھا دیجیے کرنا کیا ہے. وہ ایٹریٹ کر سکتا ہے, وہ ویب سائٹ بنا سکتا ہے, وہ جناب گرافکس پہ کام کر سکتا ہے, وہ کال سینٹر پہ کام کر سکتا ہے. آسٹریلیا, کینیڈا, امریکہ, وہاں جو کال سینٹر ہیں تو وہ گورے تو وہاں نہیں بیٹھے ہوئے, وہ تو آپ کا یہیں پہ بنگلور پہ یا سری لنکا پہ یا بنگلہ دیش پہ یا پاکستان میں ساری چیزیں آ رہی ہوتی ہیں. ہم کو اپنی چیزوں کا احساس نہیں ہے, ہم اپنی اسٹرینتھ کا احساس نہیں ہے. ہماری یہاں انگلش بولی جاتی ہے, بچوں کو انگلش میں پڑھایا جاتا ہے. اور ملکوں کے مقابلے میں آپ چائنا کو لے لیں, تائیوان, ویتنام, جتنے بھی ملکوں کو لے لیں, ہمارے ملک کے لوگ زیادہ اچھی انگلش بولتے ہیں.
हमारे मुल्क जैसे मैंने बताया 65% अगर यंग है तो वी आर दी यंगेस्ट नेशन हमारे यहाँ. तो ये सब चीज़ें कॉल सेंटर का बिज़नेस हो गया, ये चीज़ें हो गई जिनमें आपको बहुत ज़्यादा सरमाए की ज़रूरत नहीं है. आपको ये नहीं फिक्र कि मेरी गैस बंद हो जाएगी, मेरा पानी कहाँ से आएगा, तो ये चीज़ें नहीं हो सकती हैं क्या. तो एंटरप्रेन्योरशिप पे जोर देना चाहिए. जो बच्चे हैं उनको आइडियाज़ बहुत हैं बच्चों के पास, और हर आइडिया अच्छा है. ये कहना कि यह आइडिया अच्छा नहीं है, मैं आई डोंट बाई दैट थिंग. क्योंकि मैं इसकी मिसाल ये देता हूँ कि अक्सर लोग पूछते हैं कि यार ये काम चलेगा या नहीं चलेगा. तो मैं मिसाल देता हूँ, आप किसी भी अब किसी बिज़नेस का नाम देना मुनासिब नहीं होता, लेकिन दो रेस्टोरेंट हैं एक ही गली के अंदर, एक रेस्टोरेंट चल रहा है एक रेस्टोरेंट नहीं चल रहा, तो हम क्या ये बोलेंगे कि ये रेस्टोरेंट का बिज़नेस अच्छा नहीं है या लोकेशन अच्छी नहीं है या फूड अच्छा नहीं है. हालांकि फूड भी दोनों का अच्छा है, लोकेशन भी वही है और कुजीन भी वही है, हर चीज़ वही है, फिर क्यों नहीं चल रहा. तो इसका मतलब ये है कि प्रोडक्ट का मसला नहीं होता, उसकी इम्प्लीमेंटेशन का मसला होता है कि आप उसको कर कैसे रहें, आपका जज्बा क्या है उसके अंदर, आपकी सोच क्या है, आपकी वर्किंग कैसी है. तो अगर आपकी वर्किंग ठीक है, आप डिटरमाइन हैं, आप मेहनत से काम कर रहे हैं, ईमानदारी से काम कर रहे हैं, वो काम चलना ही चलना है, वो आइडिया चलना ही चलना है. तो मेरे नज़र में मेरा जो मिशन है, ये जो मेरा विजन है, हम पाकिस्तान के अंदर पावर्टी को इस तरह कम कर सकते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट को इस तरह कम कर सकते हैं कि हम एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करें, जिसके अंदर आईटी एक बहुत बड़ा सेक्टर है, इसको प्रमोट किया जाए. इसके लिए इंक्यूबेशन सेंटर्स बनाए जाएं. भी मेरे ख्याल में 9 इंक्यूबेशन सेंटर काम कर रहे हैं पाकिस्तान में, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग. और वो असफर जो मुझे बता भी रहे थे कि पता नहीं 1000 बच्चा अप्लाई करता है तो उनके पास खाली 20 बच्चों की गुंजाइश होती है या 40 बच्चों की, कुछ इस किस्म के फिगर मुझे बता रहे थे. मेरी अभी आप मेरे नंबर्स को नहीं उसको लीजिएगा, लेकिन कुछ इसी किस्म की बात थी कि तकरीबन 700-800 एप्लीकेशन तो हम इंटरटेन ही नहीं कर पाते, ठीक है ना. तो कितनी बड़ी गुंजाइश है अभी अगर इस सेक्टर पर काम किया जाए. तो मैं ये चाहता भी हूँ और कि किसी तरीके से गवर्नमेंट के साथ मिलके, लोकल एनजीओस के साथ मिलके या किसी भी तरीके से इन लोगों को कलेक्ट किया जाए, आप जैसे प्रोफेशनल्स को, आप जैसे गुरु को, मेंटोर्स को कलेक्ट किया जाए. और बेशक बड़े लेवल पे ना हो, हम छोटे लेवल के ऊपर ही इस चीज़ को प्रमोट करें, एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करें, स्टार्टअप्स को प्रमोट करें, इंक्यूबेशन को प्रमोट करें. अच्छा, आप जो है होटल एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान के भी सदर हैं, उसके बारे में बताइए कि ये एसोसिएशन क्या करती है. अच्छा जी, अब इसमें आ जाए, हम एसोसिएशन की तरफ आ जाते हैं. ये हमारी एसोसिएशन बाकी तमाम एसोसिएशन की तरह है, जिसमें पाकिस्तान या हमारी पाकिस्तान की वाहिद बॉडी है जो जिसको गवर्नमेंट रिकगनाइज करती है. दिस इज़ द ओनली बॉडी के जो जिसको गवर्नमेंट रिकगनाइज कर रही होती है. और इसमें अक्रॉस द पाकिस्तान तमाम होटल हमारे ऑन बोर्ड हैं. इसके अंदर कितने मेंबर्स हैं टोटल? हमारे तकरीबन 250 मेंबर्स हैं हमारे होटल्स के. टोटल हैं कितने होटल पाकिस्तान में? पाकिस्तान में तो अगर आप छोटे बड़े सारे होटल लें, जो ख़ासतौर पर मरी और उस तरफ जो है, तो काफ़ी सारे नंबर्स हैं. फिर उनकी अपनी भी मरी में या जो पंजाब वालों की अपनी भी एसोसिएशन है. मैं आपसे बात ही कर रहा हूँ कि अक्रॉस द पाकिस्तान अगर कोई सिंगल बॉडी है जो होटल को रिप्रेजेंट करती है तो PHA है, पाकिस्तान होटल एसोसिएशन है. अच्छा, ये भी एक बड़े मज़े की एक बात है कि IT के साथ साथ टूरिज़्म का पाकिस्तान में बहुत ज़बरदस्त स्कोप है. और अच्छी बात यह है कि इस वक्त जो भी लीडरशिप है, प्राइम मिनिस्टर साहब हैं और जितनी भी हमारी लीडरशिप है, उनका टूरिज़्म के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस है. वो ये चाहते हैं कि टूरिज़्म को प्रमोट किया जाए, क्योंकि अल्लाह ताला ने हमें पूरे पाकिस्तान में हर किस्म का मौसम दिया है, हर किस्म की हमें चीज़ मैसर है, चाहे वो रेगिस्तान हो, चाहे समंदर हो, चाहे नहरें हों, चाहे आबशारें हों, वी गॉट ईच एंड एवरी थिंग अल्हम्दुलिल्लाह. और न सिर्फ हैं बल्कि बहुत खूबसूरत हैं. आपने भी पाकिस्तान ट्रेवल किया होगा. आप यहाँ से सिर्फ कोस्टल हाईवे लेके और आप यहाँ चले जाएँ गवादर, तो ये पूरी कोस्टल लाइन है जिसमें ये सारे बीचेस आते हैं, सुमियानी और ये कुंडमलीर और गोल्डन बीच और आगे तक, ये इतने खूबसूरत बीच मैंने तो शायद कहीं नहीं देखे होंगे. और बिल्कुल अनटच्ड
अनडिस्कवर्ड बीचेस हैं जिनके ऊपर काम करने की बहुत ज़रूरत है, जो कि हमारे लिए ना सिर्फ ये कि हमारी सॉफ्ट इमेज का बहुत अच्छा ज़रिया बन सकती हैं, बल्कि हमारे लिए फॉरेन एक्सचेंज कमाने का भी बहुत एक अच्छा रिसोर्स बन सकती हैं। कभी आप गए यहाँ से गवादर तक, तो आपने वो उमाड़ा से पहले जो पहाड़ आते हैं हंगोल वाले, वो देखें कितने खूबसूरत पहाड़ हैं। वो लगता है कि अल्लाह ताला ने बड़ी फुर्सत में बैठ के और बड़े उसे अपने हाथों से उन पहाड़ों को तो वो करा है। तो अगर आप जाएं वहाँ पे नेवाडा के अंदर जो वो जो ग्रैंड कैनियन है, तो उससे कम तो नहीं है हमारी चीज़ ये। हमारे पास भी चीज़ हो सकती है। चोलिस्तान की रैली है, थर की रैली होती है, झलमक्सी में जीप रैली होती है, वो बहुत बड़ा हमारे पास टूरिज़म का पॉइंट है। फिर आप ऊपर चले जाएं शंदूर के अंदर पोलो, जो सदियों से या साला साल से वो फेस्टिवल हो रहा है, उस वो एक बहुत बड़ी एक अपॉर्चुनिटी है एक्सप्लोर करने की। फिर नॉर्दर्न एरिया है। इसके अलावा फिर आप आ जाएं रिलीजियस टूरिज्म की तरफ, आप आ जाएं, अब वो करतारपुर का तो है ही है। इसके अलावा हमारे पास बुद्धिस्ट की बहुत ज़बरदस्त साइट्स मौजूद हैं केपी के साइड के ऊपर, तो रिलीजियस टूरिज्म का बहुत ज़बरदस्त स्कोप है। तो वी अल्लाह ताला ने हमें वी गॉट एम्पल ऑफ थिंग कि हम जिनको प्रमोट करके ऑर्गेनाइज करके हम ना सिर्फ रेवेन्यू कमा सकते हैं, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर सकते हैं, लोकलाइजेशन की तरफ जा सकते हैं और फॉरेन एक्सचेंज भी कमा सकते हैं। अच्छा, होटल की मुझे लगता है कि पाकिस्तान में कम से कम 5,000 होटल की कमी है। जब मैं बाहर ट्रैवल करता हूँ, मैं फ़ोन उठाता हूँ, hotel.com खोलता हूँ, बटन दबाता हूँ, 10 मिनट बाद होटल में बैठा हुआ होता हूँ, सब कुछ चेक इन हो चुका होता है। इस तरह की चीज़ें, ऑटोमेशन की भी कमी है, प्लस ये कि हमारे पास 2-star 2.5-star होटल मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा कमी है। आप इससे एग्री करते हैं? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि 2-star 2.5-star होटल की, जिसको हम ये कह सकते हैं कि एक स्मार्ट होटल की कमी है और अक्रॉस द पाकिस्तान कमी है। और बड़े शहरों के अलावा जब आप किसी छोटे या दरमियाने शहरों में जाते हैं तो अच्छे होटल नहीं मिलते। तो यकीनन अगर 2-star 3-star स्मार्ट होटल बनाए जाएं तो एक अच्छा, इसके अंदर बहुत स्कोप भी है और गुंजाइश भी मौजूद है। पाकिस्तान में होटल क्यों नहीं, हिल्टन क्यों नहीं आया, बड़े होटल्स हमारे यहाँ क्यों नहीं आते, मेरिडियन क्यों नहीं है हमारे पास, क्या वजह है होटल्स नहीं आ पाते? मैंने आपको बताया था ना पहले, जब आपको मैं अपने वाले साहब की स्टोरी बता रहा था, तो 70s और अर्ली, बल्कि अर्ली 80s तक तो हालात फिर भी सही थे ना, 70s तक। अब क्या चैलेंजेस हैं? हालात ही नहीं है ना, मतलब 80s का पूरा आपके सामने डिकेड रहा है। अभी तक कस्टमर नहीं है? नहीं, मैं आपको बताता हूँ, 80s का पूरा बहुत ख़राब आपके ऊपर रहा सारा सिलसिला, जो वो अफगान वॉर में हम लोग लगे रहे। 90s का भी यार आपके सामने रहा, जो वर्ल्ड ओवर, एक तो जो 9/11 हुआ था, उसके बाद पॉलिटिकल जो आपके सामने सिचुएशन रही, सारा 20 साल तो हमारे ये ख़राब रहे ही रहे, जो कि सबके सामने मौजूद है, आपके मेरे सामने मौजूद है। इसके बाद जब मुशर्रफ साहब आए तो मिड 2000 के अंदर हालात बेहतर हुए, और उस वक्त रिक्वायरमेंट आई होटल्स और बनाने की, और बहुत सारे होटल ने अपने यहाँ पर प्रोजेक्ट अनाउंस भी करे, बल्कि जो एग्जिस्टिंग होटल है इंक्लूडिंग आवर सेल्फ, हर होटल ने अपने अपने टावर अनाउंस कर दिए और उसके ऊपर आ गए। लेकिन फिर उसके बाद दोबारा हालात ख़राब हो गए, फिर जो वो 4-5 साल जो रहे वो तो फिर बहुत ही ख़राब रहे, फिर वो एकदम डाउन हो गया। अब कराची में तो उस वक्त अल्लाह का, अब तो अल्लाह का बड़ा शुक्र है, बड़ा करम है अल्लाह का कि अब कोई ऐसा बड़ा वाकया अल्लाह में महफूज रखे नहीं हो रहा। उस ज़माने आपको याद है यार, एक बम फटता था, एक चीज़ होती थी, पूरी फ़्लाइट कैंसिल हो गई, सारी बुकिंग कैंसिल हो गई। तो ऐसे वक्त के अंदर होटल ना कैसे आएगा कोई बड़ा होटल। तो अब हालात जो इतना बेहतर हो गए हैं, ये हालात अल्लाह करे ऐसे ही बेहतर चलें, और हम अपने थोड़ा सा टूरिज़म साइड के ऊपर इंफ्रास्ट्रक्चर को हम थोड़ा सा डेवलप करें अगर हम, तो मज़ीद बहुत सारे होटल्स, ना सिर्फ 5-star 4-star बल्कि रिजॉर्ट्स हैं और इस किस्म की चीज़ें हैं, कमी भी बहुत है और फिर ये आएंगे भी बहुत। आज मेरे साथ फेडरेशन पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर हैं, वाइस प्रेसिडेंट हैं, और मैंने मुनासिब समझा कि मेरे जहन में कुछ सजेशंस थी। मैं 20-25 साल से सफ़र में हूँ, ट्रैवल करता हूँ, 85 कंट्रीज जा चुका हूँ, और देखता हूँ कि हम अपने मुल्क को कैसे बेहतर बना सकते हैं। हमारे मुल्क के अंदर हर चीज़ मौजूद है सिवाय एक चीज़ के, वो है कि हम एक दूसरे से डरते हैं, हमारी कम्युनिकेशन कम है, और हमारी अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो आपस में कनेक्ट नहीं होती। और फेडरेशन का और चैम्बर का प्राइमरी काम होता है कि जो लोग आपस में बात नहीं कर रहे उनकी, उनसे बात करवाना, इकट्ठा करना। चैम्बर का वो उस जगह को कहते हैं
जहाँ पर लोग इकट्ठे होते हैं उसी को चैम्बर कहा जाता है, चैम्बर ऑफ कॉमर्स उस जगह को कहते हैं जहाँ पर सारे तजारत करने वाले लोग एक जगह पर आकर जमा होते हों, कॉमर्स करते हों, उसको चैम्बर कहते हैं। अब पिछले 20 साल में इंटरनेट आया, 10 साल पहले स्मार्टफोन आया, 14 साल पहले यूट्यूब आया, 6 साल पहले व्हाट्सएप आया, और इन सब चीज़ों के आने के बाद अजीब व गरीब चीज़ें होना शुरू हुई कि लोगों ने कनेक्शन बहुत ज़्यादा बनाना शुरू करे, लेकिन फिर भी इसमें रिदम कम है। और एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ शुरू हुई जिसको हम कहते हैं कोवर्किंग स्पेस, इनक्यूबेटर स्पेस, एक्सेलरेटर स्पेस। नाउ चैम्बर का जो असल काम है वो क्या है कि इकट्ठा करना, अपने उनका जो कारोबार है उसको एक्सपैंड करना। तो अगर आपने नेशनल इनक्यूबेशन सेंटर देखा हो, नहीं देखा तो ज़रूर देखिए, आपने तो देखा हुआ है, वो एक ओपननेस का एनर्जी देता है। जब आप वहाँ जाते हैं तो आपको हर आदमी नज़र आ रहा होता है, कोई छुपा हुआ नहीं होता, कोई कमरे में दरवाज़ा नहीं है, हर एक आदमी विजिबली नज़र आ रहा है, तो आप उसको नॉक करके वो वेलकम कर रहा है कि आओ मुझसे बात कर लो। जबकि हमारे जो इदारे हैं, जितने भी गवर्नमेंट के इदारे पे हम जाते हैं या हमारे प्राइवेट इदारों में भी हम जाते हैं, तो दरवाज़ों के बाहर दरबान बैठा होता है, बड़ी मुश्किल से दरवाज़ा खुलता है और हम जाते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि बतौर FPCCI आप, मेरी रिकमेंडेशन होगी अगेन जिस तरह से आप लेके जाना चाहें, कि तमाम चैम्बर्स को अपने चैम्बर्स के अंदर एक छोटा सा कोवर्किंग स्पेस और एक इनक्यूबेटर स्पेस बनानी चाहिए। क्योंकि जो नया खून होता है वो इनोवेशन लेके आता है, पुराने जो लोग हैं वो इनोवेशन लेके नहीं आते हैं। और अगर अपने ही चैम्बर के साथ वो एक ऐसी स्पेस अवेलेबल करेंगे यंगस्टर्स को, यूथ को, कि वो आके अपने स्टार्टअप्स वहाँ शुरू करें, और वो स्टार्टअप्स क्या करेंगे, वो स्टार्टअप उस चैम्बर के इदारों में जो लोग काम करते हैं यानी कि जो लोग मेंबर्स हैं उनके बिज़नेस को एक्सेलरेट करने में मदद देने के लिए उनके साथ मिलकर स्टार्टअप्स करेंगे, उनकी फंडिंग का प्रॉब्लम ही हल हो जाएगा। जितने बिज़नेस हैं दुनिया के वो सब बदल रहे हैं, 70% दुनिया में जो हम आज चीज़ें देख रहे हैं, नौकरियां देख रहे हैं, बिजनेसेस देख रहे हैं, उनकी शक्ल बदलने वाली है, वो या तो ख़त्म हो जाएंगे या उनकी शक्ल बदल जाएगी। हमारे एग्जाम्पल हमारे सामने नोकिया की एग्जाम्पल है, कोडैक की बड़ी एग्जाम्पल है कि वो नापैद हो गए, ख़त्म हो गए। तो अब अगर यहाँ पे ये इनक्यूबेशन स्पेसेस बनाते हैं और अपने ऑफिसेस की शक्ल को रीस्ट्रक्चर और रीडिज़ाइन करते हैं और ओपननेस का कल्चर पैदा करते हैं, तो उससे जो यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो यंग कॉमर्स करने वाले लोग हैं, वो चैम्बर के हिस्सेदार बनेंगे। अभी तो लोग मजबूरी में चैम्बर का सर्टिफिकेट लेते हैं, वजह इसके कि वो मजबूरी में चैम्बर का सर्टिफिकेट लें, वो इसलिए लेंगे कि इस चैम्बर के अंदर हम काम वाकई करना चाहते हैं। और तमाम, मैं कम से कम 12 चैम्बर ऑफ कॉमर्स का विज़िट करके आया हूँ पाकिस्तान के अंदर, सब के पास एम्पल स्पेस मौजूद है जहाँ पर वो ये एक छोटी सी जगह बना सकते हैं। एक और चीज़ जो वो चैम्बर कर सकती है, वो इग्नाइट के साथ पार्टनरशिप कर सकती है, जो कि पाकिस्तान का एक इदारा है जिसके पास फ़ंड अवेलेबल $500 मिलियन का, और उसके एजेंडा में शामिल है कि 400 मजीद इनक्यूबेटर्स बनाने पाकिस्तान में। तो बजाय इसके कि वो सिर्फ यूनिवर्सिटी में बनाएं, वो हर चैम्बर के साथ भी एक अदद इनक्यूबेटर स्पेस बना दें, जाके चैम्बर का भी खर्चा नहीं होगा, चैम्बर के पास रिदम भी आएगा और चैम्बर को वो नॉलेज मिल जाएगी, एक्वायर कर सकेगा जो उन्होंने पिछले 5 साल में एक्वायर किए। इसके अलावा FPCCI बहुत सारे और ट्रेड बॉडीज़ की भी रिप्रेजेंटेशन करती है, मिसाल के तौर पे ऑटो पार्ट्स वाले हैं, होटल्स वाले हैं। अब होटल्स के अंदर ओयो रूम इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा डिसरप्टर, दूसरा बड़ा डिसरप्टर जो है वो है Airbnb। ओयो रूम्स ने क्या किया कि वो जाके एग्जिस्टिंग 1-star 2-star होटल्स को जाके उन्होंने सिस्टम सप्लाई किए जो कि नॉर्मली 1-star 2-star होटल को इंडिया में नहीं थे। उन्होंने वो सारी टेक्नोलॉजी सिस्टम्स प्रोसेसेस अप्लाई किए और वो मल्टी बिलियन डॉलर कंपनी बन चुकी है, और उसके अंदर दुनिया के बड़े VCs ने इन्वेस्टमेंट भी करी है, और इस वक्त वो इंडिया का सबसे जो उसका फाउंडर है दुनिया का और इंडिया का ख़ास करके सबसे यंगेस्ट बिलियनर भी बन चुका है। तो इस तरह के मॉडल्स को कॉपी करने की ज़रूरत है कि जो कि एक यंग और एक ओल्ड बिजनेसमैन मिलकर ये चीज़ें को क्रिएट कर सकते हैं। इसके अलावा एक और चीज़ ये कि FPCCI और तमाम चैम्बर्स में स्टूडियो रूम्स नहीं होते हैं। तो स्टूडियो रूम्स जब भी कोई प्रेजिडेंट सेलेक्ट हो या नई MC सेलेक्ट हो, तो उन सब की 3-4 मिनट की तारुफी वीडियोज़ रिलीज़ करें चैम्बर, FPCCI, तमाम बॉडीज़, बल्कि आप इनके बायलॉज में ऐड करना चाहिए कि आपको बताना चाहिए कि ये चीज़ें हम कौन हैं, और आपका जो तारुफ है वो फेसबुक यूट्यूब से रिलीज़ हो आपके ऑफिशियल चैनल से। अक्सर लोग मुझको कहते हैं जो बड़ी उम्र के हो जाते हैं, चैम्बर के प्रेसिडेंट भी बन के आ जाते हैं लेकिन टेक्नोलॉजी नहीं चलाते, कहते हैं यार हमारे पास टाइम नहीं है सब चीज़ें का।
तो मैं अक्सर उन लोगों को कहता हूँ कि अगर आपके पास टाइम नहीं है ये सब चीज़ें करने का तो आपको इस सीट पे ही नहीं होना चाहिए, क्योंकि आज के दौर का ये तकाजा है कि टेक्नोलॉजी के बग़ैर आप लेवरेज नहीं कर सकते दुनिया को। दुनिया एक ग्लोबल विलेज बन चुकी है, हमें दुनिया के साथ काम करना है, ना कि हम अपने हिसाब से अपने कम्फर्ट जोन में रहते हुए अपने ही तरीक़े से आगे इसको ले कर चलें। ये मेरी चंद गुजारिशात हैं। मैं समझता हूँ कि हमारे मुल्क में अगेन जमूद है और कुछ भी नहीं है, कनेक्शंस का मसला है, और FPCCI एक कलीदी किरदार अदा कर सकती है इस जमूद को तोड़ने में, इन सब को जगाने में। मेरे टाइम, मेरा वक्त हाजिर है, मेरी नॉलेज जो कुछ है पब्लिक इंटरनेट पर है, इसके अलावा भी अगर आप लोग बुलाएंगे तो मैं आके आपके इनको गाइड कर सकता हूँ कि आप अपने फेसबुक को, अपने व्हाट्सएप को कैसे मैनेज करें, क्योंकि टाइम खा जाता है अगर हम उसको सही इस्तेमाल ना करें तो ये एक दलदल की तरह आप उसके अंदर घुस जाते हैं, टाइम ही नहीं बचता लोगों के पास कि वो कुछ और कर सकें। और उसकी बड़ी वजह यह है कि इसके ऊपर उनकी कमांड नहीं है, उनको पता नहीं फंक्शन कैसे करता है, इसकी बेसिक फंक्शनैलिटी क्या है, और उसकी वजह यह है कि इसके ऊपर कभी तवज्जो नहीं दी गई। ये एक अब हम उस टाइम पर आ गए कि अब भी तवज्जो नहीं देंगे तो हमारे लिए बहुत चैलेंज होगा। हमारे पास अभी भी अली बाबा का ऑफिस नहीं है, हमारे पास अभी भी अली बाबा जैसी कोई पाकिस्तानी इंडिया मार्ट जो है वो मेरा दोस्त चलाता है इंडिया के अंदर, वो भी नहीं है हमारे पास। हमारे पास अल्लाह का शुक्र है कि दराज जैसी एक साइट आ गई है जो कि कंज्यूमर के लिए है, बट B2B के लिए हमारे पास कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है। और चाइना को सब इस वक्त समझते हैं बड़ा ज़बरदस्त जगह बन गई है। चाइना की तरक्की का 70% क्रेडिट मैं अली बाबा को देता हूँ, क्योंकि तमाम चीज़ों को आपस में उसने लिंक किया है। वो एक आदमी पूरे चाइना की डेस्टिनेशन, उसने डेस्टिनी बदल दी। और हमारे यहाँ जो ट्रेड किया आया था वो अनफॉर्चुनेटली बंद हो गया। इस वक्त हमारे पास ह्यूज वैक्यूम है कि हमारे जो ट्रेडर्स हैं वो एक दूसरे को नहीं जान पा रहे, कनेक्शन नहीं पा पा रहे, हम सोर्सिंग नहीं कर सकते आराम से क्योंकि हमारे पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं। तो ये मेरी कुछ गुजारिशात थी FPCCI के लिए। अगर आप उसके ऊपर कोई कमेंट देना चाहें तो ये मोर देना। जो आपकी पहली जो सजेशन है कि चैम्बर्स या फेडरेशन अपने ही एरिए के अंदर इंक्यूबेशन सेंटर बनाएं, ये बहुत ही अपनी बिल्डिंग में, अपनी बिल्डिंग में ही बनाएं, और वो उसके लिए आपने बताया कि ग्रांट्स भी अवेलेबल हैं और सब कुछ अवेलेबल है। दिस इज़ अ वंडरफुल आइडिया, आई मस्ट से दिस इज़ अ वंडरफुल आइडिया। और वही वाली बात है कि मेरा और ईमान पुख्ता होता जाता है, फिर जाहिर सी बात है, खैर ईमान व्हाट यू सीक इज़ सीकिंग यू। एग्जैक्टली, मैं ये सुबह भी मैंने किसी को मिसाल दी है ये, ठीक है ना। और ये अगर आप देखेंगे ना तो मेरी व्हाट्सएप पे मैंने अपना ये वो भी लगाया हुआ था, ये अपना स्टेटस भी लगाया हुआ था। तो बहुत अच्छी मिसाल, बहुत अच्छी आपने सजेशन दी। मैं आजकल इन्हीं चीज़ों पर काम भी कर रहा था, अल्लाह ताला ने मुझे आपसे अभी, हालाँकि हम लोग डिजिटली एक दूसरे के साथ फ्रेंड्स थे, फेसबुक वगैरह पे एक दूसरे को देखते थे, लेकिन आज आपसे मुलाकात इतनी तफसीली हुई, आप सारे आइडियाज़ शेयर हुए जो कि मेरा अपना भी आइडिया है। मैं डेफिनेटली इसके अंदर आपके साथ रबते में रहूँगा और हम इसके ऊपर काम करेंगे इंशाल्लाह। इस चीज़ को हम बेशक बहुत बड़े लेवल पे फौरी तौर पे ना कर पाएँ, लेकिन बहुत स्मॉल स्केल से हम भी अगर हम शुरू करना पड़ेगा तो हम करेंगे, ताकि एक कम से कम एक रास्ता तो बने, कम से कम एक चीज़ तो शुरू हो, फिर अल्लाह ताला, ये तो काम अल्लाह ताला का है, अल्लाह ताला खुद उसको फिर कैसे आगे बढ़ाते हैं। कैपेसिटी बिल्डिंग में मैं एक चीज़ ऐड करता जाऊँ कि इस वक्त जो कैपेसिटी बिल्डिंग का काम है माइक्रो फैक्ट्रीज़ का, माइक्रो एंटरप्रेन्योरशिप का, बड़ी एंटरप्रेन्योरशिप का, वो यूट्यूब कर चुका है, एडेक्स कर चुका है। यानी आज का कोई बच्चा अगर ये बात बोलता है कि मुझे इल्म नहीं मिल रहा है या मुझे कनेक्शन नहीं मिल रहा है, तो वो गूगल नहीं कर रहा है, वो यूट्यूब नहीं कर रहा है। तो हमें जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि जिस तरह हमने कोरोना वायरस की पब्लिसिटी की है पिछले 2 महीने में, बिल्कुल उसी तरह हमें शाह चोया या नजाद चाय वाला की पब्लिसिटी करनी है कि हर आदमी को पता हो कि अगर मैं पास पैसे नहीं हैं तो मैं इनकी वीडियोस देखकर अपने लिए पैसे कमा सकता हूँ। नंबर, ये तो 2 लोग हैं, उसके अलावा सैकड़ों लोग और हैं जो कि हर इल्म को वहाँ सिखा रहे हैं। हमारे वाले नहीं हैं तो अंग्रेज़ी में सिखा रहे हैं। देखिए, अंग्रेज़ी में भी अगर कोई सिखा रहा हो, क्या मुझे अंग्रेज़ी नहीं आती, तो 5 दफ़ा देखेगा तो समझ आ जाएगा। अगर हमें थाई खाना पकाना है, आप खाने के शौकीन हैं, थाई खाना पकाना है, हमें थाई नहीं समझ में आ रही, तो हम देखते रहेंगे, 4 दफ़ा समझ आ जाएगा यार ये घोल रहा है, इतना डाल रहा है, 2-3 दफ़ा पकाएंगे, समझ आ जाएगा यार ये किस तरह पाट थाई बनता है या और कोई डिश बनती है, बेहतरीन बन जाता है। पाट थाई से मेरे मुँह में पानी आना शुरू हो गया। सो दैट्स व्हाट आई थिंक कि हमारे पास चैलेंजेस एक्चुअली ख़त्म हो चुके हैं। हमारा सिर्फ एक चैलेंज है कि हमारा यूथ, हमारे लोग टेक्नोलॉजी को समझ नहीं रहे कि कितनी ताकतवर चीज़ है और उससे फ़ायदा नहीं उठा रहे।
आज मैं आपके होटल में एक कॉन्फ्रेंस हो रही थी मौलानाओं की, तो मैंने उन सबको कहा भी आप आज से 5 साल पहले जब मैं जाता था आप लोगों को मैं कहता था अल्लाह के वास्ते स्मार्टफोन ले लो, अब आपके पास स्मार्टफोन किसके पास नहीं है, किसी ने हाथ नहीं उठाया, सबके पास था। तो मैंने कहा भी आपके पास फ़ोन है, इसके अंदर एक बटन है उसको दबाएँ, पाकिस्तान में कितने लोग रहते हैं, तो आपको 2017 में पाकिस्तान की जनसंख्या 19,70,15,955 थी। मैं 1,00,000 रुपए महीना कैसे कमा सकता हूँ, ये वीडियो डाल यूट्यूब से मिलता जुलता परिणाम। मैं साल के 1 करोड़ रुपए कैसे कमा सकता हूँ, फिर वीडियोस आ गए मुझे यूट्यूब पर ये मिला। तो अब अगर कोई ये भी नहीं कर रहा और फिर उसके अंदर अगर कोई गलत सलत भी बता रहा है, गलत सलत ही है ना, वो गलत भी है सलत भी है उसमें, तो वो अगर करेगा तो कुछ करेगा ना। आपके तो वालिद की एग्जांपल इतनी ज़बरदस्त है जिसके बाद तो सारा चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। इसको हम आपको इसकी एक मिसाल दूँ जो भी आपने करा है, हालांकि मेरी बीवी नाराज़ होगी लेकिन मैं दे देता हूँ। वो हमारे घर पर लड़का काम करता है एक, तो हमारी बेगम साहबा कहीं बाहर गई, उसको खाना बनाने का बड़ा शौक़ है और मुझे खाने खाने का शौक़ है, तो उसको मैंने बोला यार तू है ना शाही टोकरे बना दे आज। अच्छा वो है सिंधी लड़का जिसको ना कोई उर्दू पढ़ने आती है ना वो कोई पढ़ा लिखा नहीं है, उसने यही करा, फ़ोन उठाया यूट्यूब पे गया, कहता शाही टुकड़े बनाने का तरीका, चार चीज़ें आ गई सामने, उसने रखा उसको और शाही टुकड़े उसने बनाती है बेहतरीन किस्म के। तो अब बहाना जो है ना वो ख़त्म हो गया, अब सिर्फ प्रॉब्लम यह है कि अभी तक हमारे मिनिस्टर्स हमारे, मैं इन सब से मिलता हूँ, ये वो भी नहीं कर पा रहे होते हैं। अगर हम कुछ भी ना करें, लोगों को कहें यार ये कर दो बस, कि तुम गूगल करना शुरू कर दो, यूट्यूब करना शुरू कर दो। रेहान आपने ना बड़ी अच्छी बात एक बीच में बोली, आपने एक बहुत अच्छी बात बीच में बोली, आपने कहा कि लोग व्हाट्सएप और फेसबुक और इसको इस्तेमाल करना नहीं आता और वो इसकी एक सिर्फ एक लेजर वाली साइट पे जा रहे होते हैं और दलदल में फंसते जाते हैं, तो वो सारा टाइम उसी में कंज्यूम हो जाता है। 250 किस्म के ग्रुप खुले हुए और उन 250 ग्रुपों में से 249 ग्रुप में सब वही मटेरियल है, ठीक है ना, इससे कोई फ़ायदा नहीं है, तो वो सारा टाइम वहीं पे सारा ख़राब हो रहा है। तो अगर हम अपनी थोड़ी सी टाइम मैनेजमेंट कर लें, आज सुबह भी मैं सर सैद कॉलेज के में कोई इनाग्रेशन थी, मैं वहाँ उन्होंने इन्वाइट किया हुआ था, तो वहाँ पर भी मैंने यही बोला स्टूडेंट्स को कि ये टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है, ख़ास तौर पे ये जो डिजिटल मीडिया फेसबुक इंस्टाग्राम वगैरह जो हमारा टाइम खा रहा है, हमारा प्रोडक्टिव टाइम खा रहा है, इसको समझने की बड़ी ज़रूरत है। तो अभी जैसे आपने बताया कि इसका भी कोई तरीका है कि जिसके ज़रिए आप इस टाइम को यूटिलाइज कर सकते हैं बेहतर प्रोग्रेसिव और प्रोडक्टिव चीज़ के ऊपर, तो ये चीज़ पर बड़ी एक जोर देने की और इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आज आप आए और आपने कान भी दी सुने और बातें भी मैंने भड़ास भी निकाल दी और मैं मुझे उम्मीद है कि ये काम हो जाएंगे इंशाल्लाह, हमारे हाथ से हो जाएंगे तो शायद हमें सवाब मिल जाएगा, काम तो होने हैं, ये तो मुझे पता है, इस मुल्क ने तरक्की याफ्ता भी होना है, गुरबत से भी ख़त्म होना है, सब काम होना है क्योंकि अब सब ऑटो पायलट पर हो चुके हैं, सिस्टम बन चुके हैं। आप बात ख़त्म कर रहे हैं लेकिन मैं भी एक बात कहते हुए अपनी बात को ख़त्म करूँगा, ये जो आपने भी एक और बात बोली ना काम तो होने हैं, अगेन ये आपने बहुत अच्छी बात बोली, मेरे दिल की बात बोली। ये असल में होता ये है कि जो मैंने शुरू में भी आपसे कहा था कि अल्लाह ताला ने डेस्टिनी लिखी हुई होती है, अल्लाह को तो ये आज ही मीटिंग करानी थी यहाँ पे, अल्लाह को आज ही मीटिंग करानी थी और मैं और आप भी कहीं बिज़ी थे और मैं भी कहीं बिज़ी था, मेरे आज शेड्यूल में वहम गुमान में नहीं था कि मैं आज यहाँ बैठा पाऊँगा और ये बातें हो रही होंगी, लेकिन क्योंकि ये चीज़ होनी थी, हमारी किस्मत में लिखा हुआ था, तो ये आज चीज़ हुई। शायद आपको मैंने पहले भी जिक्र किया था, मैं थोड़ा सा दोबारा बता देता हूँ कि एक हम लोगों ने 10 साल पहले कोई एक स्कूल जो रोशनी पब्लिक स्कूल के नाम से जो हमने लिया, अच्छा अब उसमें भी ये मज़े की बात ये है, मैं उसी मिसाल इसलिए दे रहा हूँ कि जो मैं रिलेट करना चाह रहा हूँ, अल्लाह ताला ने उस इलाके में एक स्कूल खुलवाना था और वहाँ से बच्चों को पढ़वाना था, अल्लाह ताला का बहुत करम है कि उसने उन 22 करोड़ लोगों में से हम चंद 4-5-6 लोगों को सेलेक्ट किया, ये उसकी बड़ी मेहरबानी है, ये ख़ास करम है जिसका हम जितना भी शुक्र अदा करें हम नहीं कर सकते। उन 4-5-6 लोगों ने वो चीज़ ली, वो सिलसिला बढ़ाया और उन 6 लोगों से 5 लोगों से आज माशाल्लाह एक बहुत बड़ा ग्रुप वॉलंटियर्स का और फ्रेंड्स का उस स्कूल के पीछे काम कर रहा है और उस स्कूल के अंदर आज 300 बच्चे पढ़ रहे हैं जिनमें से 50 बच्चे 2 बैचेस के अंदर पिछले 2 सालों में मैट्रिक करके फारिग तहसील भी हो चुके हैं।
چونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ کام کرانا تھا، ہمارے ذریعے کرانا تھا، یہ کام ہوا. اسی طریقے سے میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ جو میرا یہ ویژن یا مشن ہے جو کہ آپ کا بھی مجھے نظر آ رہا ہے، انکیوبیشن سینٹرز کا، ایکسیلیٹرز کا اور اسٹارٹ اپس کا، بیسکلی انٹرپرنرشپ کو پروموٹ کرنے کا پاکستان کے اندر، باہر تو یہ بہت عام ہے، اس کے لیے جو میرا ذہن چل رہا ہے اور جو میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میرے لیے راستے خود بخود بنا رہے ہیں، مجھے ان لوگوں سے ملوا رہے ہیں، مجھے ان جگہوں پہ لے کے جا رہے ہیں کہ کام ہو جائے. تو میری آج تو یہ چیز صرف ایک خواب کے اندر ہے یا صرف ایک سوچ کے اندر ہے، لیکن میں اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتا ہوں اور میں ان کا بہت شکر گزار ہوں گا کہ اللہ تعالیٰ اگر میرے ہاتھ سے، ہمارے ہاتھوں سے اگر کوئی ایسی چیز کرا دے کہ جس سے نہ صرف پاکستان کا بہت بھلا ہو، فائدہ ہو، بلکہ جس سے آنے والی نسلیں بھی ہماری فائدہ اٹھائیں. آپ کا بہت شکریہ، آپ نے مجھے بلایا، ٹائم دیا. آپ مجھے خود بھی بہت تھکے ہوئے نظر آ رہے ہیں. نہیں، میں تو تھکا ہوئے رہتا ہوں، ہے نا. چلیں، بہرحال تو بہت شکریہ، بڑی خوشی ہوئی آپ سے ملاقات کر کے. انشاءاللہ ہماری ملاقاتیں قائم رہیں گی. آپ نے جو سجیشنز دیں اس کو بھی میں پوری کوشش کروں گا کہ ان پہ عمل کیا جائے، اور ہم آپس میں رابطہ کر کے جو ہماری کی مشترکہ سوچ ہے پاکستان کی یوتھ کے لیے، پاکستان کی پراسپیرٹی کے لیے، اس میں مل کے کام کریں انشاءاللہ تعالیٰ. جزاک اللہ خیر.